शिल्पा भाभी, आपको याद है वो वाला सूट जो आपको बहुत पसंद आया था, मेरा गोल्डन वाला, जो मैंने कहा था कि मुझे भी ला के दे? हाँ हाँ, वो डिजाइनर नहीं था एक्चुअली, वो ना मैं जनपथ से लाई थी। और जैस, तुमको क्या लगता है कि मुझे पता ही नहीं है कि तुम कहाँ से शॉपिंग करती हो? तो जनपथ मार्केट कितनी अच्छी है। मुझे पता है, तभी तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग नहीं आते हैं। और भाई, शादियों का सीजन आ गया और इतनी सारी शादियों में मुझे जैस जाना है, तुम्हें भी जाना ना। किसकी शादी है वैसे? मेहंदी भी लगी हुई है ना। अरे, इतने सारे रिलेटिव हैं, उनकी शादी में जाना है, मुझे इतनी सारी शॉपिंग करनी है, ज्वेलरी वही पुरानी हो गई है, मैं नहीं लेना चाहती हूँ। कपड़े लेने हैं, साड़ी लेनी है, एक आध लहंगा भी लेना है। आपका तो सब कुछ ही पुराना हो गया होगा जरूर, मुझे पता है। तो पहले क्या लिया जाए? तो ऐसा करते हैं, ज्वेलरी ले लें। हाँ, ज्वेलरी ले लेते हैं। ज्वेलरी लेते हैं, छोड़िए, ज्वेलरी से पहले कपड़े तो ले लीजिए, तभी तो ज्वेलरी मैच करेंगी। जैस, तुम्हारे पास इतने सारे कपड़े, कपड़े हम लेंगे, थोड़ा थोड़ा सब्र रखो, मार्केट में आ गए, शॉपिंग ही शॉपिंग करनी है, आज तो पूरा दिन यही बिताना है। हाँ, सबसे पहले ज्वेलरी लेते ना। चलिए चलिए, ज्वेलरी लेते, चलो चलो चलो। चलिए शिल्पा भाभी, जैज, ऐसी ज्वेलरी लेनी है ना कि शादी में जो देखे ना, बस शादी नजरें हम पे टिक जाए। बिल्कुल ठीक है ना। देखिए, मैंने तो मेहंदी भी लगवा ली है एडवांस में। चलिए देख लेते हैं। सबसे बेस्ट इयररिंग्स दिखाइए कुछ आप। ये बेस्ट इयररिंग्स, ये देखिए आप। जैज, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये मुझे दे दीजिए, आप रहने दीजिए। आप हो, रुको एक मिनट, ये तो मेरे हो गए। ये कुछ डिफरेंट लग रहा है, ब्लैक में है, सिल्वर 92.5 विद द पोल की। ये तो कितने अच्छे लगेंगे। ये कितने का है? ये वाला 5800 का है। जो आपने वो साड़ी नहीं खरीदी थी लास्ट टाइम तिमी भाभी के साथ, उसके साथ पहनिएगा। वैसे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है जैस। हाँ दीजिए मुझे, ये भी मुझे भी अच्छा लग रहा है। इसको तो कुछ भी दिखा दो ना फटाफट से। इसको ट्राई कर सकते हैं, ये आप देखें इस तरह से। ये कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है सब कुछ मुझ पे ही अच्छा लग रहा है। ये वाला फाइनल, मुझे ये वाला फाइनल कर ले। कुछ नेकलेस भी देखना चाहिए। ये देखिए आप, चोकर है, मुझे भी दिखा दीजिए। ये कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा सा आगे आइए, मुझे इसको लगाइए। ये देखिए यार, जैस देखो कैसा लग रहा है। इसके साथ ये टीका भी है, आप मुझे भी दिखा दीजिए। सारा आप ऐसे कीजिए, खुद ही देख लीजिए। आंटी, ये पैक कर दीजिए। हाँ जी, और मुझे भी ना सेम ऐसे ही चाहिए। तो अभी तो नहीं है, इसका आप ऑर्डर, कोई बात नहीं, ऑर्डर आप ले लीजिए और ऐसा ही सेम एक और निकाल दीजिए। ठीक है। वैसे भी जो शिल्पा भाभी लेंगी वो जैस को भी लेना है। कॉपीकैट तो आप है, कॉपीकैट यू। जैस, देखो मैं तुमको कितनी अच्छी दुकान में लेकर आई हूँ। ये आप मुझे कहाँ ले आए? हम शादी की शॉपिंग के लिए आए थे, ये क्या खरीद रहे हैं? जैस, शादी में हम जा रहे हैं तो क्या गिफ्ट्स नहीं देंगे क्या अपने रिश्तेदारों को? बिल्कुल देंगे ना। बिल्कुल, गिफ्ट से मुझे याद आया, आपने जो लास्ट टाइम मेरी शादी पे मुझे गिफ्ट दिया था, वो आपकी पड़ोसी ने आपको दिवाली पे गिफ्ट दिया था। अच्छा, मैं भूल जाती हूँ। ये बताओ, ये कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा है, पर इससे भी बहुत अच्छे है। और देखिए ये देखो जैस, ये पैरेट बहुत अच्छा लग रहा है। अब असली तो तुम रख नहीं पाओगी, नकली रख लो। बिल्कुल नहीं आई तुमको, क्यों आएगी ये? और ये कुछ एंटीक, कितना प्यारा लग रहा है ये वाला। आप ये देखिए, ये देखिए, ये अफोर्डेबल चीजें देखिए ना, क्या महंगी महंगी देख रहे हैं। ये देखिए, ये कितना अच्छा है। अच्छा मुझे ना जैज, इस तरह के हैंगिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं घर के बाहर, और अगर हम अपने रिश्तेदारों को ऐसा कुछ देंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा खुश होंगे। नहीं वैसे आप इतने पैसे खर्च कर देंगे किसी और की शादी पे गिफ्ट देने के लिए? लगता नहीं है आपको? अच्छा ये देखो, सब कुछ इतना एंटीक है ना, ऐसा लग रहा है पूरी दुकान ही। बस बस बस, हो गया शिल्पा भाभी, उसको पैक करा रहे। जैस, शादी ही नहीं होती बल्कि उसके आगे पीछे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना। आप ना मुझे ना एकदम स्ट्रेंज से लगते हो, कभी कहते हो शादी की शॉपिंग करनी है और कभी जनपथ ले आते हो। शादी की शॉपिंग, उसमें तो स्पेशल ड्रेस होगी होगी, लेकिन जो उससे आगे पीछे कुछ फंक्शंस होते हैं ना, उसके लिए जनपथ में शॉपिंग हम कर सकते हैं। ये देखो, बात तो है कि ड्रेसेस कितनी अच्छी। अंकल, ये वाला टॉप दिखाइएगा आप। सब छोड़िए, आप ये देखिए, ये कितना अच्छा है ना। हाँ, ये गाउन ये अच्छा है ना, गाउन। हाँ, जैसे कि हम जाएंगे तो शादी से पहले भी तो चेंज करना होता है। अच्छा, ये देखो तो कि तुम्हारे पर लग कैसा रहा है। देखिए, अच्छा है, गोल्डन वैसे भी मेरा कलर फेवरेट है। हाँ, ये देखो, ये कैसा लगे, नाइस ना। हाँ, कितने का है? फ्ली मार्केट सस्ती तो बहुत है, खरीद लेना चाहिए। एक ये भी ब्लैक मुझे दिखाइए, ये वाला भी। और भी कितना कुछ है, मेरा मन कर रहा है मैं पूरी की पूरी शॉप ही खरीद लूं, तभी मैं सोचूं। ये दिखाइए मुझे। अच्छा, ये हम ना इसके नीचे भी हम लहंगा पहन सकते हैं गोल्डन कलर का। इसके नीचे ना कितने आइडियाज हैं, लॉन्ग स्कर्ट भी पहन सकते हैं। मुझे लगता है मैं फैशन डिजाइनर बन सकती हूँ, राइट? हाँ। अंकल, ये भी पैक कर दीजिए, कितने का है? अंकल सब कुछ देने के लिए तैयार है, और आप लेने के लिए। यस। अच्छा जैस, अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं
और अगर हमने पर्स नहीं लिया साड़ी लहंगे और ड्रेसेस के मैच का तो फिर सब कुछ अधूरा। आपने ना पहली बार पते की बात की है ना? वैसे शिल्पा अभी करती नहीं। अच्छा जैज़, मेरे पास ना एक येलो कलर की साड़ी है और येलो मेरा कितना फेवरेट है ये तो पता है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला कैसा लगा। अच्छा है, पर ये देखिए आप ना क्लच ले लीजिए, क्लच जो होता है साड़ीज के साथ भी चल जाएंगे, सूट के साथ भी, मुझे इतनी चीजें बहुत अच्छी। अच्छा क्लच में मेरे को ना एक प्रॉब्लम लगती है, कब तक उसे हाथ में लिए घूमते रहेंगे। अच्छा इसमें एक फायदा ये है, पोर्टली स्टाइल है ये, इसको ऐसे ले लो है ना सिंपल जैज। इसमें ये देखो सिक्के लगे हुए हैं गोल्ड के, इसमें थोड़ा छोटा, हाँ ये छोटा साइज अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। शिल्पा भाई सुनिए ना, भूख लग रही है। भूख लगी है? ओहो मुझे ना कुछ गुजराती खाने का मन कर रहा है। गुजराती, क्योंकि ये गुजरात की चीज़ें तो गुजराती खाने का मन कर रहा है। अगर हम किसी पंजाबी दुकान में जाते हैं और पंजाबी वहाँ पे कुछ पर्स वगैरह होते तो पंजाबी खाने का मन करता है। अरे नहीं ना, मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा है। अब यहाँ ले आए हो आप मुझे कनॉट प्लेस, हम घूम रहे हैं पास ही में, इतने ईटिंग जॉइंट से चलो ना प्लीज। पर्स तो ले लेते ना प्लीज। अच्छा ठीक है, पहले मैं तुमको कुछ खिला के लाती हूँ, ठीक है फिर वापस से आके शॉपिंग करेंगे। पक्का, गॉड प्रॉमिस।